तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत। आपका स्वागत करता हूँ TYG सॉफ्टवेयर रुको बिको फ्रेशनेस कमाल के सभी सूट के अंदर। एंड दोस्तों, आज के इस वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं पोको X2 और Redmi के नोटेड प्रो के बारे में। जी हाँ दोस्तों, फाइनली पोको X2 की इंडिया के अंदर अनबॉक्सिंग हो चुकी है। बहुत सारे यूट्यूबर्स ने इसकी अनबॉक्सिंग कर दी है एंड बता दिया है कि इसका क्या है रियल प्राइस, क्या है इसका रियल लुक और क्या है इसकी रियल स्पेसिफिकेशन। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो हम बात करने वाले हैं इसी पोको X2 के बारे में। जैसा कि आप सबको पता होगा कि पोको X2 और Redmi Note 8 Pro का जो प्राइस है वो एक्चुअली काफी हद तक सेम रहने वाला है। तो दोस्तों, अब ऐसे कंफ्यूजन आएगा कि आपको कौन सा फोन लेना चाहिए, पोको X2 या फिर Redmi Note 8 Pro। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं इन्हीं दोनों फोन्स के बारे में, जानेंगे इन दोनों फोन की स्पेसिफिकेशन और भी ऐसी बहुत सारी बातें जो आई होप आपको पसंद आएंगे। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड साथ में बगल वाले बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आपको हमारे आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर बात करें दोनों फोन के बारे में तो स्टार्टिंग करते हैं दोनों फोन की स्क्रीन साइज के साथ। तो बता दूं, यहाँ आपको पोको X2 मिलता है 6.67 इंचेस का फुल HD प्लस वाला डिस्प्ले जो कि आपका बेस्ड है 395 PPI पर और एक आईपीएस LCD वाला डिस्प्ले जो कि आपका 120 हर्ट्ज के साथ आता है। वहीं आपको Redmi Note 8 Pro मिलता है 6.53 इंचेस का फुल HD प्लस वाला डिस्प्ले जो कि आपका बेस्ड है 395 PPI पर और एक आईपीएस LCD वाला डिस्प्ले जिसका जो कि आपका आई थिंक 60 हर्ट्ज के डिस्प्ले में डिस्प्ले बेस्ड है। तो दोस्तों, डिस्प्ले कॉर्ड जो पोको X2 है वो डिस्प्ले काफी कमाल का लगा क्योंकि जो 120 हर्ट्ज वाला रिफ्रेश रेट है वो अगर आपने किसी फोन में कभी यूज किया हो या फिर आप जब गेमिंग करोगे तो काफी अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा आपको 120 हर्ट्ज वाली डिस्प्ले में। एंड कुछ बातें वीडियो के एंड में करेंगे तो वीडियो में एंड तक बने रहना। इसके आगे बात कर लें दोनों फोन के एज अ प्राइस के बारे में। तो बता दूं, जहां आपका Redmi Note 8 Pro का स्टार्टिंग प्राइस है करीब 15,000 रुपये जिसमें आपको मिलती है करीब 6 GB रैम और 64 GB की इंटरनल मेमोरी। वहीं आपको पोको X2 का जो स्टार्टिंग वेरिएंट है वो आपको मिलेगा करीब 16,000 रुपये का जिसमें आपको मिलेगी 6 GB रैम और 64 GB की इंटरनल मेमोरी। तो प्राइस के अकॉर्डिंग दोनों फोन अपनी अपनी जगह बेस्ट है बट एक अच्छा प्राइस मुझे Redmi Note 8 Pro का लगा। एंड इसके आगे बात कर लें दोनों फोन के कैमरा के बारे में। तो बता दूं, दोनों फोन में आपको मेन साइड में सेम कैमरा मिलती है। जी हाँ दोस्तों, दोनों फोन में आपको 64+8+2+2 मेगापिक्सल के क्वाड कैमरा सेटअप मिल दिया जाता है। साथ में दोनों फोन में एक LED फ्लैश दिया जाता है बट फिंगरप्रिंट स्कैनर का डिजाइन अलग अलग है। जहाँ पे आपको Redmi Note 8 Pro में बैक साइड पे फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया जाता है, वहीं पे आपको पोको X2 में जहाँ आपका पावर बटन है वहीं आपका फिंगरप्रिंट स्कैनर दे दिया जाता है। तो दोस्तों, ऐसा एवोल्यूशन के तहत पोको X2 काफी अच्छा लगा बट दोनों फोन की जो मेन कैमरा वो सेम हो गया। बात कर लें फ्रंट कैमरा के बारे में तो फ्रंट कैमरा भी काफी हद तक सेम है क्योंकि जहाँ आपको Redmi Note 8 Pro में मिलता है 20 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा, वही आपको पोको X2 मिलते हैं डुअल प्राइमरी फ्रंट कैमरा या फिर डुअल फ्रंट फेसिंग फ्रंट कैमरा जो कि है आपके 20+2 मेगापिक्सल के, मतलब कि कैमरा अकॉर्डिंग काफी अच्छे। बट लेकिन अगर बात करें पोको X2 की तो उसमें आपको जो इफेक्ट होता है मीन जब आप अपनी फोटो को ब्लर करते हो या फिर अपनी फोटो पोर्ट्रेट में डाल के खींचते हो तो पोको X2 का जो आपका डेप्थ होगा तो वो काफी अच्छा होगा Redmi Note 8 Pro के मुकाबले में। इसके आगे बात कर ले दोनों फोन के बैटरी बैकअप के बारे में। तो बता दें, दोनों ही फोन में आपको 4500 mAh का बैटरी बैकअप मिलता है और दोनों ही आपके फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करते हैं। और बात करें अगर इन दोनों फोन के प्रोसेसर के बारे में तो बता दूं, जहां आपको पोको X2 में मिलता है Qualcomm Snapdragon 730G वाला प्रोसेसर जो कि बेस्ड ऑक्टा कोर के ऊपर, वहीं आपको Redmi Note 8 Pro मिलता है MediaTek Helio Z90T वाला प्रोसेसर जो कि बेस्ड ऑक्टा कोर के ऊपर। तो दोस्तों, अब चलिए बात करते हैं इन दोनों फोन में आपके लिए कौन सा फोन बेस्ट है या फिर आपको कौन सा फोन लेना चाहिए। तो दोस्तों, पहले मैं आपको बता दूं, जो Redmi Note 8 Pro है वो भी काफी अच्छा फोन है, ऐसा नहीं बोलूंगा कि बेकार फोन है। बट पोको X2 की बात करें ना तो पोको हमेशा से लोगों के दिल जीतता आ रहा है एंड पोको X2 में आपको केवल 1000 रुपये ज्यादा देने हैं तो आपको एक 120 हर्ट्ज वाला डिस्प्ले मिलेगा। और आपको पता है जो स्नैपड्रैगन का 730G वाला प्रोसेसर है वो आपको Realme के X2 में मिलता है, मतलब कि Realme X2 से कम दाम पे आपको स्नैपड्रैगन 730G वाला प्रोसेसर मिल रहा है जो कि आपका MediaTek Helio G90T से थोड़ा सा अच्छा है, मतलब ज्यादा नहीं पर 19-20 का फर्क है आपका। एंड पोको X2 में जो आपको भाई एक पंच होल डिस्प्ले जो कैमरे मिलते हैं तो वो आपके काफी कमाल के डुअल प्राइमरी आपको डुअल फ्रंट में कैमरे मिलते हैं, फ्रंट में भी दो कैमरे और जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है वो आपका पावर बटन की ओर, मतलब कि एक पूरा फुल कॉम्बो फोन है, एक अच्छा फोन है। पोको अपना एक अलग ही से आप UI बना रहा है। तो दोस्तों, मेरे अकॉर्डिंग आपको पोको X2 लेना चाहिए। अब आप कमेंट करके बताओ कि आपका फेवरेट फोन कौन सा है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड साथ उस बगल वाले बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि आपको हमारे आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। तो मिलेंगे ऐसे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।